हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटे हेल्दी वेज कबाब। फ्रेंड्स, आप इस कबाब को कभी बना के खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। क्योंकि बारिश के मौसम में कुछ ना कुछ चटपटा सा खाने का मन करता रहता है, कुछ बाहर का खाने का मन करता रहता है, तो आप इस नाश्ते को कभी भी बना के खा सकते हैं। बहुत ही कम चीज़ों का इसमें यूज हुआ है, तो चलिए इसको ना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है थोड़े से सोयाबीन चंक्स। ये देखिए, इस तरह के मैंने बड़े साइज वाले सोयाबीन चंक्स लिए हैं। आप इसमें बड़े छोटे कैसे भी सोयाबीन चंक्स इसमें ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको अच्छे से धोना है, तो हम इनको गर्म पानी से अच्छे से धोएंगे। इनको बिल्कुल साफ़ हमें एकदम करना है, सॉफ्ट होने तक इसको हमें पकाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब उसके लिए करेंगे गर्म पानी। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो उसके लिए मैंने रख दिया है गैस ऑन करके 2 से 3 गिलास पानी बॉयल होने के लिए। पानी में अच्छे से बॉयल आने देते हैं। तो ये लीजिए, पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हम क्या करें, गैस को ऑफ कर देते हैं और सारे गर्म पानी को हम इस बाउल में डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि इसमें जो कोई भी गंदगी वगैरह होगी वो भी निकल जाएगी और जो हमारे सोयाबीन हैं वो भी अच्छे से एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसको फुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको एकदम प्रेस कर देंगे चम्मच की हेल्प से, यानी कि इस तरह से डुबो देंगे। और डुबोने के बाद हम इसको आधा घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, जिससे कि ये अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और पानी भी इसमें अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा, उसकी सारी गंदगी इसमें से निकल जाएगी और पानी भी अच्छे से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये देखिए, यहाँ पर इसको रखे हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं पहले से कितने अच्छे से फूल गए हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए, इस तरह से प्रेस करने से आपको पता चल रहा होगा कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। फ्रेंड्स, इनको सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा नाश्ता अच्छे से बनता है और पानी भी काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे इस तरह से मिक्सी का जार। मैंने सारा पानी अच्छे से इसका निचोड़ के तैयार कर लिया था, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, सारे पानी को अच्छे से निकाल दें। अब मैंने यहाँ पर इनको मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब हम इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे, जिससे कि इसमें 4 चांद लग जाएंगे। अब हम रखेंगे गैस ऑन करके एक पैन। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया के बीज, साबुत धनिया के बीज लिए हैं। 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। आधी चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूँ सौंफ के दाने। आधी चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूँ जीरा। आधी चम्मच से भी कम यानी कि 10 से 12 मैंने यहाँ पर ले ली है काली मिर्च, ये डाल देंगे। साबुत काली मिर्च है, आप चाहें तो सारी चीज़ें पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं, बट आपको पता ही है कि जब हम फ्रेश बना के कुछ चीज़ यानी कि नाश्ता वगैरह बनाते हैं तो उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। तो इसको हम एकदम बढ़िया सा थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, हल्की सी नमी ख़त्म होने तक। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। तो देखिए, इसका जो नमी है ख़त्म हो चुकी है और इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो इस तरह से हम सारे बीज को हम इसमें डाल देंगे जार में ही। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ले ली है 2 बारीक कटी हरी मिर्च, जिसको मैंने पतला पतला सा चॉप कर लिया है। अब हम जार का ढक्कन बंद करेंगे और इसको अच्छे से एक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। इसमें पानी का यूज हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, तो अच्छे से हम इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना के तैयार करेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर मैंने इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना के तैयार कर लिया है और जो मिर्च वगैरह है, मसाले हैं, वो भी इसमें अच्छे से पिस चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक बाउल में निकाल देंगे। तो सारे मिक्सर को हम इस बाउल में निकाल देते हैं। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 बड़े साइज का आलू। आलू को मैंने पहले ग्रेट किया है, उसके बाद मैंने अच्छे से पानी में धो के इसको साफ कर लिया है, इसमें स्टार्च बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। 1 प्याज ले ली है, प्याज को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, उसका थोड़ा पानी मैंने इसमें से निकाल दिया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी होगा तो हमारा नाश्ता अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो हल्का फुल्का पानी मैंने प्याज में से निकाल दिया था। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें बारीक यानी कि एकदम ग्रेट करके डाल रही हूँ, आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। 1 गाजर को मैंने इस तरह से बारीक चॉप यानी कि ग्रेट कर लिया है। चॉप करने से क्या हुआ कि उसकी जो शेप है वो अच्छे से नहीं आ पाती है नाश्ते की, तो मैं यहाँ पर इस तरह से ग्रेट करके डाल रही हूँ सारी सब्जियों को। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे फ्रेश धनिया की पत्तियाँ। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो 1/3 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा इसमें। 1/2 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। आप इसकी जगह इसमें काली मिर्च मैंने इसमें डाली हुई है, तो आप इसकी जगह कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मिर्च हमें हिसाब से ही डालनी है। 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दिया है नमक। नमक मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल रही हूँ, क्योंकि नमक हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। 1/2 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गरम मसाला, इससे बहुत अच्छा चटपटा सा टेस्ट आता है। 1/2 मैंने यहाँ पर नींबू ले लिया है, इसका मैं इस तरह से रस निचोड़ देंगे इसमें। आप चाहें तो इसकी जगह आमचूर का पाउडर डाल सकते हैं या फिर इसमें अनारदाना भी डाल सकते हैं। खटाई के लिए हमें इसको कुछ ना कुछ डालना ही है, तभी अच्छा टेस्ट आता है। अब हम ये सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे।
तो इस तरह से हम पहले इसको स्पून से मिक्स करेंगे। फिर फ्रेंड्स आपको बताइए, क्योंकि इसमें सारे लच्छे वगैरह हैं तो हाथ से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, सॉरी चम्मच से मिक्स नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को हम हाथ से मिक्स करेंगे, हाथों से काफ़ी ईजिली मिक्स हो जाएगा। तो पहले हम थोड़ा बहुत इसको स्पून से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच बेसन। ये देखिए 2 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया है इसमें, और 2 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चावल का आटा। आप चाहे तो अकेले बेसन से या फिर अकेले चावल के आटे से भी इसको बना सकते हैं। आप इसमें चावल के आटे की जगह इसमें सूजी का यूज भी कर सकते हैं, और बेसन की जगह आप इसमें मैदे का यूज कर सकते हैं। मैंने 2 से 3 ऑप्शन बता दिए हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। फ्रेंड्स हमें इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सारी चीज़ें नहीं डालनी है, जैसे कि आप बेसन एकदम ज़्यादा से डाल दें या फिर चावल का आटा ज़्यादा डाल दें, ऐसा नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा कि जो सोयाबीन का जो इसमें टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एकदम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, यानी कि इस तरह से हमें जोर लगा के इसको मिक्स नहीं करना है। ज़्यादा एकदम जोर लगा के हम इसको मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि सारी सब्जियों में से एकदम पानी रिलीज होने लगेगा, और पानी रिलीज होगा तो इसमें बेसन और जो चावल का आटा है वो ज़्यादा क्वांटिटी में डलेगा, तो टेस्ट इसका ज़्यादा अच्छा नहीं आ पाएगा। तो बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसको इस तरह से एकदम अब एकदम फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा ये बिखरा बिखरा सा, अच्छे से बाइंड नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच चावल का आटा। दोनों चीज़ हमें बराबर बराबर डालनी है, तो मैंने इसमें टोटल 3 चम्मच बेसन और 3 चम्मच मैंने इसमें चावल का आटा डाल दिया है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करके तैयार कर लिया है। अब हम इस तरह से उसको बाइंड कर रहे हैं, तो ये देखिए काफ़ी इजीली एकदम बाइंड हो रहा है। ये देखिए इस तरह से एकदम लट्टू जैसा बन रहा है, इस तरह से इसकी टिक्की भी काफ़ी अच्छे से बन रही है। अगर आपको इस टाइम पे भी लगे कि टिक्की अच्छे से नहीं बन रही है, बहुत ही पतला हो गया है हमारा बैटर, तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा या बेसन और भी ऐड कर सकते हैं। बट कोशिश यही करें कि कम से कम डालें, जिससे कि टेस्ट इसका ही ज़्यादा आएगा, फिर इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने एक टिक्की इसकी बना के तैयार कर ली है। किनारियाँ बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लें, तो मैं आपको एक टिक्की और बना के दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स आप एक उस नाश्ते को बना के देखना, इतना टेस्टी लगता है कि अगर आपने एक बार बना के खा लिया ना, तो बार बार यही नाश्ता बना के खाएंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि सोयाबीन हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। तो आप हफ्ते में 1-2 बार सोयाबीन की सब्जी, पकौड़े या इस तरह से कबाब बना के कुछ ना कुछ अपनी डाइट में शामिल करें। तो इसी तरह से हम सारी टिक्कियों को बना बना के तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए इस तरह से मैंने सारे कबाब को बना के तैयार कर लिया है। ये हमारे बहुत ही टेस्टी सोयाबीन के कबाब कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, इनको फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर गैस ऑन करके रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए। मैं यहाँ पर इनको सैलो फ्राई करूँगी, इसलिए मैं यहाँ पर ऑयल कम लिया है। देखिए ऑयल में से काफ़ी अच्छे से हीट आ रही है, यानी कि ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद जो गैस का फ्लेम है उसको आप मीडियम कर दीजिए, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर हमें इनको सेकना एकदम धीमी धीमी आँच पर, जिससे कि अंदर तक एकदम बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएंगे ये। अब हम क्या करेंगे, इनको हमें एकदम धीमी धीमी आँच पर सेकना है। तो अभी हमें इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, जब इनका जो कलर है चेंज हो जाएगा उसके बाद हम इनको टच करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा बहुत इसको हिला देते हैं, जिससे कि ऊपर तक इसमें ऑयल थोड़ा सा लग जाएगा, जिससे कि अच्छे से सेक जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इनको सेकते हुए लगभग 3 मिनट हो चुके हैं, और 3 मिनट में इनका कलर चेंज हो गया है, नीचे से थोड़ा सा देखिए हल्के हल्के से गोल्डन जैसे हो गए हैं। तो अब हम इनको पलट देते हैं। इसी तरह से हमें इनको दूसरी साइड से भी इनको सेकना है, एकदम बढ़िया से दोनों साइड से क्रिस्पी गोल्डन कर लेंगे, जिससे कि अंदर तक इनमें कोई भी कच्चापन ना रहे, एकदम बढ़िया से गोल्डन हो जाएँ। तो ये देखिए यहाँ पर इनको फिर से हम पलटेंगे। ये देखिए नीचे से बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है, एकदम क्रिस्पी गोल्डन हो गए हैं। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, एकदम करारा करारा नाश्ता बनके तैयार होता है। आप एक बार इस नाश्ते को अपने घर वालों को बना के दिखा देना, वो बहुत खुश हो जाएंगे, इनको बहुत पसंद आएगा ये नाश्ता। बार बार यही नाश्ता बनवा के खाएंगे, इतना टेस्टी होता है, बहुत ही हेल्दी नाश्ता भी है। मैं इनको इस तरह से सैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको और भी कम तेल में इसको फ्राई कर सकते हैं, अगर आप बहुत कम ऑयल खाते हैं तो आप और भी कम ऑयल में इसको फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको निकाल देंगे टिश्यू पेपर पर, जिससे कि इनका स्टॉल निकल जाएगा। तो इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए कबाब को भी सेक लेंगे, इसी तरह से दोनों साइड से एकदम बढ़िया से क्रिस्पी गोल्डन होने तक। तो एक बार में जितने आ जाए आप डाल दें। तो इसी तरह से हम इनको भी सेक लेंगे दोनों साइड से। इस तरह से पहले मैंने इसको हिला दिया है, जिससे कि अच्छे से इन पर ऑयल लग जाए।
तो ये देखिए ये भी काफ़ी बढ़िया से एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं, एकदम बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। अब हम इनको भी इसमें से निकाल देते हैं। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी गर्मा गर्म चटपटा टेस्टी नाश्ता बनके हो गया तैयार। तो आप इस नाश्ते को टमाटो सॉस, हरी चटनी, चाय कॉफ़ी के साथ भी इसको ले सकते हैं, तब भी बहुत मज़ेदार लगता है। तो बारिश के मौसम में आप इस गर्मा गर्म नाश्ते को ज़रूर ट्राई करके देखना, आपके बच्चों और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।